यूनिवर्सल एकेडमी फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के डेट के बारे में काफ़ी चैनलों में रोज़ बातें आ रही हैं कि एग्ज़ाम नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, तो क्या संभव है? आपको लगता होगा ये कैसे निगेटिव बात कर रहे हैं, हमें निगेटिव बात नहीं कर रहे हैं। चलिए एक दोहे से शुरुआत किया जाता है इसका। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, अब बुद्धि उनको दीजिए जो समझे बेरोजगार। साहब ये जो बेरोजगार हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, मूर्ख नहीं हैं। आप इनको मूर्ख समझते हैं, आप इनको मैनेज करना सिखाते हैं। जब भी कोई बात आती है तो क्या कहते हैं? कभी कहते हैं कि परीक्षा नियंत्रक नहीं आया है, तो कभी कहते हैं तैयारी नहीं हुई है, तो कभी कहते हैं एग्जाम डेट क्लैश हो जाएगा। क्या साहब डेट एक ही डेट मिलता है? एग्जाम क्लैश हो सकता है और डेट भी नहीं? अगर इच्छा शक्ति हो तो एग्जाम डेट मिल जाता है, निश्चित ही मिल जाएगा। मगर बस आपको तो क्लू देना है, आगे बढ़ना है, एक सब्जेक्ट मैटर तैयार कर लेते हैं आगे बढ़ाने का। दो साल में, तीन साल में आपका आयोग कछुआ चाल से चला, धीमे एक अजगर चला नहाए, दिन भर में अंगुल भर जाए, वही कहानी चरितार्थ हो रहा है। उसके बाद आया भी तो एक नया बहाना, एग्जाम कैलेंडर की बात भी, एग्जाम कैलेंडर अब आ जाएगा तब आ जाएगा, धरना प्रदर्शन भी हुआ, तो क्या हुआ? आने वाला था कब था? महीना भी निकल गया, 20-22 तक आने वाला था ना, आज 20-22 भी डाक गया। तो ऐसे ही होता है फ्रेंड, इनको आपको मैनेज करना है, जानते हैं, कभी पेपर के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से, अब आ गई पेपर में। ज्वाइन करने के पहले परीक्षा नियंत्रक साहब जानते हैं क्या बात करनी है, अच्छे जानते हैं, तो पहले ही बयान दे दिए जनवरी में हो सकती है अगर एग्जाम कोई डेट क्लैश नहीं हुआ तो। कितना बढ़िया बात बोलते हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं, क्या संभव है फ्रेंड हो जाना? आप पहले सोचिए, आप सोचिए एग्जाम कब होने वाला था। असिस्टेंट प्रोफेसर की पहले बात हो रही थी, तो क्या असिस्टेंट प्रोफेसर जब 1,00,000 की फॉर्म फिलअप किए हुए लड़के उसको पहले कराएंगे, तो नवंबर दिसंबर तो भी अभी उसकी बात ही बात नहीं हो रही है, तो नवंबर दिसंबर में बहुत होगा, नवंबर दिसंबर जनवरी मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा। एक महीना इनको चाहिए रेस्ट, दो साल करने के बाद नहीं आ पाया तो एक एग्जाम कराने के बाद इनको चाहिए अच्छे से रेस्ट। चलिए पहले पेपर पढ़ लेते हैं, पेपर में क्या छपा देंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षा नियंत्रक की ज्वाइनिंग के बाद आयोग को अब लंबित भर्ती परीक्षाओं पर निर्णय लेना है। अभ्यर्थी की संख्या के लिहाज से प्रदेश में पुलिस भर्ती के बाद सहायक अध्यापक टीजीटी प्रवक्ता पीजीटी दूसरी सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा होगी। इसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे। देखिए अभी अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे, और योगी सरकार का जो इस टाइम से रुख है उनमें डर भी है, कहीं कोई गलती न हो जाए, कहीं लीक का मामला न आ जाए, इसलिए फूंक फूंक के कदम रखेंगे। सारी व्यवस्था जब इनकी हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएंगे, चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे, तो इनको नए आयोग को आगे बढ़ने में टाइम लग सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, मगर लग सकता है, आप ये सोच समझ सकते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। बीते क्या गया, बीते दिनों में पुलिस भर्ती या आरओ परीक्षा आ गया बन ना, बीते दिनों में पुलिस भर्ती या आरओ आरओ परीक्षा में पेपर लीक के बाद शासन ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए केंद्र निर्धारण के नियम काफी सख्त कर दिए। निजी स्कूल कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर रोक लगा दी। साथ ही 5 लाख से अधिक के ऊपर एक पाली में परीक्षा न कराने, हर परीक्षा केंद्र में CCTV कैमरों की उपलब्धता, कंट्रोल रूम की संभावना अनिवार्य कर दी गई है। यही है क्योंकि परीक्षा सेंटर भी सीमित है, गवर्नमेंट स्कूलों में कराना है तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जब प्राइवेट में इतने बड़े सेंटर होते थे तो ये करा ही नहीं पाते थे। चलिए आगे देखते हैं। TGT PGT 4163 पदों पर भर्ती के लिए 13 लाख समथिंग मान लीजिए अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। ऐसे में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा से लेकर केंद्र निर्धारण और परीक्षा संबंधी अन्य कार्यों के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को अतिरिक्त इंतजाम करने होंगे। आयोग की नव नियुक्ति अध्यक्ष लेकर सदस्यों, सचिवों और परीक्षा नियंत्रक सभी के लिए TGT PGT जैसी बड़ी भर्ती परीक्षा कराने का अनुभव नया होगा। तो नया होगा तो डर है, ऊपर से सरकार का दबाव है कि कहीं गलती न हो जाए, किरकिरी न बन जाए। आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष से लेकर सदस्य, सचिव, परीक्षा नियंत्रक सभी के लिए TGT PGT जैसी बड़ी भर्ती परीक्षा कराने का अनुभव नया होगा। इनके सामने ढेरों चुनौतियां होंगी। आयोग के सूत्रों को कहना है कि परीक्षा तिथि घोषित करने से पहले सभी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जानी है। यही वजह है कि लंबित परीक्षाओं की तिथि पर निर्णय लेने में देर हो रही है। यही सब दबाव है, आप समझिए। जो चैनल बरगला रहे हैं ना, सब रोज न्यूज देते हैं, हर महीना न्यूज देते हैं, अब हो जाएगी तब हो जाएगी, संभावना संभावना होगी, परीक्षा तो होगी ही, हमें नहीं करना है। पढ़ाई आप, पढ़ाई आप और जोर से कीजिए और ताकत से कीजिए, क्योंकि एग्जाम में वही सफल होगा जो कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहा होगा। तो आप ये आगे परीक्षा के संबंध में सोच के अपनी पढ़ाई को मत कीजिए, मगर हाँ ये रियलिटी है, परीक्षा 2024 में TGT PGT की नहीं होगी 100% संत। चलिए अब देखते हैं कोई नया न्यूज कब आता है। आप उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी।